गर्मियों का मौसम चल रहा है और आप सुबह सुबह इसे बनाकर एक कटोरी खाएंगे, पेट तो भरेगा ही और साथ ही साथ इतनी एनर्जी भी मिलेगी, क्योंकि ये रेसिपी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है और इसे बच्चे बड़े हों या घर के बुज़ुर्ग सभी के लिए आप बना सकते हैं। और बनाना इतना आसान है कि आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे और टेस्टी इतना कि कटोरी भर भर के सभी खाएंगे। इसे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बनाकर खाएं या मीठे में डिज़र्ट के तौर पर भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए फौरन ही ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है कि 8 से 10 बादाम हमें रात में पानी में भिगा कर रख देना है। और अगर आप भिगाना भूल गए हैं या आपने सुबह सुबह इसे बनाने की सोची है तो आप 8 से 10 बादाम लेकर और इसे कटोरी में पानी में रखकर माइक्रोवेव में बेक कर लें। 10 मिनट की आम में आपकी बादाम फूल कर रेडी हो जाएंगी। और अब इनका छिलका हम हटा लें। मैं 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने एक कटोरी दलिये का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें तो आप सारी चीज़ों को डबल कर लें। बादाम को रात भर पानी भिगा कर खाने में गर्मियों में वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे गर्म तासीर भी इसकी निकल जाती है। तो सबसे पहले हम बादाम का छिलका हटा लेंगे। छिलका हटा लेने से ये खाने में डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया है कि नारियल को पानी भिगा दिया था आधे घंटे के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इससे और भी अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा। और इसे मैंने काट लिया है, ये इसलिए भिगा कर रखा था ताकि ये मिक्सर में आराम से पीस कर तैयार हो जाए, पेस्ट बन जाए। इसे मैंने पतला पतला काट लिया है, साथ ही मैं इसका छिलका भी हटा दिया है ताकि हमारी रेसिपी है जो उसका कलर चेंज ना हो। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैंने जो ली है वो बादाम से भी ज़्यादा ताकतवर है। इस ये दाने छोटे छोटे ज़रूर हैं मगर इसके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े हैं। इसे एक चम्मच मैंने पानी में रात भर भिगा कर रखा है। अब इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पहले इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। फिर मैंने इसे एक छन्नी में निकाल कर ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को ले लिया है, छिली हुई बादाम, नारियल और खसखस। इन चीज़ों का हम पानी या दूध डालकर पेस्ट बना लेंगे। हमारा यहाँ पर पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है और इस तरह का स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए। अब इसे हम साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में शुद्ध घी लिया है 1 चम्मच। अब हम मखाने को रोस्ट करेंगे। मखाने को इस तरह से रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आया। इसमें हम कम घी का यूज़ करेंगे क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे बिना घी के भी भून सकते हैं। थोड़ा सा घी तो हम अपने डाइट में शामिल कर ही सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पर कम घी का यूज़ करना है, 1 चम्मच भर के लिया है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो मखाने सारा घी अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए हम कम घी में इसे रोस्ट करेंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा या फिर इसे हम तोड़कर देखेंगे तो हल्का क्रंची हो जाएगा। तो समझिए ये फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरे मखाने भुन चुके हैं, ये क्रंची हो चुके हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया है, एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और वही वाला बर्तन आपको फिर से ले लेना है और इसमें अब 1/2 चम्मच शुद्ध घी हम फिर से ऐड करेंगे। तो ये है इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट। इसे दलिया कहते हैं, गेहूं के दाने। आप चाहे तो पैकेट का या घर का यूज़ कर सकते हैं दलिया। इसे हमें घी में डालकर हल्का सा भून लेना। इससे क्या होगा कि दलिये के दाने सफ़ेद हो जाएंगे, अंदर तक पक जाएंगे, भुन चुकेंगे और इससे कम टाइम में दलिया पककर हमारा तैयार हो जाएगा। और दलिया होता है गेहूं का, इसीलिए तो यह रेसिपी बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसे खाने से आपको सारा दिन हेल्दी फील होगा। अगर आप ये रेसिपी बनाना पसंद करें और बार बार भूनने का टाइम बचाना चाहें तो इसे खट्टा भूनकर इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दलिया मेरा अच्छी तरह से भून चुका था तो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तो जैसे 1 कटोरी दलिया मैंने लिया है तो उससे 4 गुना दूध मैंने ऐड किया है, 4 कप करीब दूध। इस तरह से देखें तो 1/2 लीटर दूध हो गई है। अब यहाँ पर मैंने 1 चुटकी नमक ऐड कर दिया है क्योंकि मीठे में भी नमक की अपनी एक जगह होती है। अब इसे हम मीडियम गैस पर 70% तक पकाएंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि अंदर तक एक एक दलिया जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। और इसे अब ढक देंगे, ढक्कर हमें 7-8 मिनट इसे रखना है। अब यहाँ पर मैंने इसमें मीठा करने के लिए शक्कर का यूज़ किया है। आप चाहें तो मिश्री या गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी शक्कर का यूज़ किया है। और अगर आप चाहें तो इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस में हमें सब चीज़ों को फ्राई कर लेना और इसी हिसाब से
एक सीटी में आपकी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी और आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। यहाँ पर मैंने 3-4 इलायची पाउडर को कूटकर इसका जो पाउडर बन गया इसे डाल दिया है। इलायची फ्लेवर मुझे मीठे में बहुत पसंद है। अगर आपके पास इलायची पाउडर पहले से बना हुआ रखा है तो उसको थोड़ा सा आप ऐड कर दीजिए। अब ये 70% पक चुका है तो इसमें हम जो ड्राई फ्रूट का हमने पेस्ट बनाकर रेडी किया था वो उसे ऐड कर देंगे। इसके बाद बस हमें 2-3 मिनट बस और इसे पकाना है मीडियम गैस पर। और इसके बाद अब हम जो हमने मखाने फ्राई करके रखे हुए थे इसे ऐड कर देंगे। तो बस इसे ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर एक उबाल दिलाना है हमें इसमें। और बस आपका दलिया बनकर रेडी हो चुका है। दलिया का अपना एक अलग टेक्सचर और इसका जो गाढ़ापन है बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। अगर आप चाहें तो इससे पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब रोज़ रोज़ ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं ये सोचने की टेंशन भी ख़त्म। आप कभी भी इसे बना सकते हैं और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो घर वाले सभी पसंद करेंगे, साथ ही साथ हेल्दी और टेस्टी भी। और अगर जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तब भी इस तरह से बना सकते हैं। और पूरे साल में आप इसे किसी भी मौसम में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। गर्मियों के मौसम में बनाएं तो इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, ठंडियों के मौसम में बनाएं तो गर्मा गर्म इसे सर्व करें। किसी भी मौसम में आप इसे बना सकते हैं। इस तरह से बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सभी को पसंद आएगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती रहूँगी।